नमस्ते अरुणाचल। ये वीडियो को जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ से आप लोग जिसे भी देखिए, हम ये वीडियो में एक तरीका लेके आया है कि स्टेट का जो अनएम्प्लॉयड है उसको खत्म करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। अभी आए हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल में आप देख सकता है, यहाँ में हम लोगों का लड़का काम कर रहा है, तो आके देखते हैं। चलिए, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रतन राजा है और ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, HOD है और ये बच्चा लोग को यही ट्रेनिंग देता है। मेरा अभी अरुणाचल फाउंडेशन में काम किया हुआ 3 साल हो गया है और हम जो अपना घर परिवार को ये इलेक्ट्रिशियन का काम करके ही पालता है, घर का जो गुजारा होता है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करके ही गुजारा करता है भाई। और यहाँ में एक भाई है, नया ट्रेनिंग लेने आया है, ये इसका भी नाम सुन लो भाई। मक्स को क्या अपना नाम बता दे। मेरा नाम पुणे बुजुर्ग है और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे हम ट्रेनिंग से गए। और हम अभी पुलिस कॉलोनी में आया हुआ है, हम लोगों का यहाँ में स्वीपर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं ये पुलिस कॉलोनी है। तो आप देख सकता है यहाँ में हम लोगों का अरुणाचल हॉप फाउंडेशन की तरफ से स्वीपर काम चल रहा है। और ये भाई दोनों का मैं नाम नहीं लूँगा, पर ये हमारा लोकल लड़का ही है। तो चैम्बर ब्लॉक है उसको हम लोगों का टेक्निकल स्वीपर जो ये कर रहा है, उसका लाइन को क्लियर कर रहा है। तो ऐसा स्वीपर काम भी चलता है हम लोगों का लोकल लड़का की तरफ से। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तो इससे आप एक प्रेरणा लेना चाहिए। तो हम अभी करसिंगसा में आया है, ये ईटानगर से करसिंगसा में अन्या कॉलोनी का है। तो मेरा हम लोग अरुणाचल होप फाउंडेशन का लड़का लोग अंडर में पाइप काम भी कर रहा है। 15 डेज हो गया वो लोग यहाँ में बिल्डिंग में बैठ के पूरा पाइप वायरिंग कर दे रहे हैं। तो हाँ। चलिए देखता है उन लोगों का आपको भी ना। नो, मैं मिलाना चाहूँगा हमारा NGO का वन ऑफ द बेस्ट प्लम्बर। मेरा नाम लक्ष्मण कंकु जली है और ये मैं NGO से काम करके आया हूँ। और ये मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ था, तो इस बार मैं हर जगह में काम करके घूमता हूँ। और यहाँ इस बार मैं ये पूनम सर का यहाँ मैं काम कर रहा हूँ और ये बिल्डिंग में ला के मेरा 11 बिल्डिंग जैसे और काम हो गया। तो मेरा अनएम्प्लॉयड भाई लोगों को, अनएम्प्लॉयड दोस्तों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सभी काम को छोटा बड़ा मत सोचो, ये सब काम में भी बहुत पैसा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं खुद को लूँ तो हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन 2014 से हम कर रहे हैं ये सब काम, और ये काम कर करके ही हम ये NGO को चला रहा है और 40-50 लड़का को लीड करता है, ज़मीन का भाड़ा देता है, मशीनरी आइटम खरीदता है, उसका बाद में फूडिंग का पैसा जाता है, उसका बाद में मटेरियल कोस्ट जाता है, उसका बाद में ट्रेनिंग सेंटर का भाड़ा देता है। तो आप सोच के देखिए कितना कमाता होगा हम लोग। लेकिन हम, मेरा मेन टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मेरा टारगेट है कि मेरा अनएम्प्लॉयड लोगों को, यूथ को मैं आगे ले जाऊँ। और इस बार ऐसा कर करके हमको बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है, इसीलिए हम 1000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का टारगेट कर रहा है। आप लोग काम करने आने वाला जिसे भी मेरे पास में आइए, फॉर्म भरिए, स्पेशली ITIs ग्रेजुएट लोगों को मैं बुलाना चाहूँगा। उसके बाद में जो काम नहीं भी जानता है उन लोग भी आइए, हम लोग इस बार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन बना के जितना 1000 लड़का एडमिशन लेंगे उसको सेपरेशन करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये साल में हम लोग पूरा कोशिश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, ये वीडियो जो जो देख रहा है आप लोग आइए, और जितना भी अम्मा बाबा लोग हैं आपका घर में फालतू में बैठने वाला लड़का उनसे मेरा साथ भेज दो, उसको हम ट्रेनिंग देके उसका मैं काबिल लड़का बना देगा।